नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेकवाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपने अपने व्हीकल पर SBI का फास्टैग लगवाया है तो आप उस फास्टैग का पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट है fasttag.onlinesbi.com। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं या फिर आप गूगल पे भी fasttag.onlinesbi.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस वाले कॉलम में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर लेना है जो आपके फास्टैग के साथ लिंक है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर भर लेता हूँ पहले। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड भरना है। तो आपने जब फास्टैग लगवाया होगा तो आपके मोबाइल पे इस तरीके से एक मैसेज आया होगा जिसमें एक वन टाइम पासवर्ड लिखा होगा 4 डिजिट का, उसे आपको यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा है इसे यहाँ पे भर लेना है। देन यहाँ से आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, आपको वही पिन दोबारा से भर लेना है जो अभी आपने भरा था, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो पासवर्ड का फॉर्मेट कैसा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, नीचे लिखा हुआ है @least 1 letter शुड बी इन अपर केस, यानी कि एक लेटर जो है वो कम से कम कैपिटल में होना चाहिए। @least 1 letter शुड बी इन लोअर केस, और एक लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। @least 1 letter शुड बी इन नंबर, और उसमें कम से कम एक नंबर होना चाहिए। और लास्ट वाला है @least 1 special character, और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एक पासवर्ड बना लेना है जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है। इसमें देखिए, एक कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, नंबर भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पासवर्ड बना लेना है। चलिए मैं एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, हमारा पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है पिन चेंजेड सक्सेसफुली। देन यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो चलिए अब मैं आपको एक बार लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ID भर लेनी है, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे जो अभी आपने पासवर्ड बनाया नया वाला उसे भर लेना है। देन ये जो कैप्चा है इसे यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके व्हीकल की सारी डिटेल जो है वो आपको दिख जाएगी, जैसे कि कस्टमर नेम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अगर आपने ईमेल आईडी लिंक करवाई होगी तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आपको मंथली लिमिट लिखी हुई दिख जाएगी, और आपके फास्टैग में कितना बैलेंस अभी है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ नीचे आएंगे तो कौन कौन से टोल प्लाजा पे कितना कितना अमाउंट कटा है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। और आप यहाँ व्हीकल इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके व्हीकल की डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी। और आप यहाँ माई प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि मिडिल नेम वगैरह, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, ये सब आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टैग रिचार्ज का भी ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिचार्ज का भी ऑप्शन मिल जाता है नीचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर लेना है। देन आप कितना रिचार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे भर लेना है। देन यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देना है, और आगे आप फर्दर प्रोसेस करके जैसे भी आप रिचार्ज करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप अपने SBI के फास्टैग में अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।